ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें ये बताया था कि 84 जन्म अर्थात क्या, बाबा कहते हैं ये हमारा 84वां जन्म है। तो वीडियो में किसी भाई ने यूट्यूब पर डाला था, उसमें वो समझा रहे थे कि सभी के ये सभी का 84वां जन्म नहीं है। जो बाबा का बना माना 84वां जन्म है उनके हिसाब से वो नहीं है। कारण कि अगर कोई सतयुग में नहीं आया, त्रेता में नहीं आया, तो उसके 8 जन्म कम हो गए, तो उसका 84वां जन्म नहीं है, अंतिम जन्म नहीं है। तो फिर मेरा विचार चला कि बाबा की मुरली का एक एक महावाक्य सत्य है, उसमें संशय तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे 84वां जन्म कैसे है? विचार चला कि मान लीजिए एक अपार्टमेंट है और उसमें 84 सीढ़ी हैं। लास्ट की सीढ़ी सबसे नीचे वाले को हम एक मानते हैं तो ऊपर वाली सीढ़ी 84 हुई। अब अगर कोई फर्स्ट फ्लोर से ऊपर छत पर जाता है तो उसके लिए भी वो 84वीं सीढ़ी है। सेकंड फ्लोर से छत पर जाता है, वैसे इंडिविजुअल देखेगा तो उसके लिए वो अलग अलग सीढ़ी है, मगर जब वो गिनती में तो वो 84वीं है। तो बाबा ने भी हमें बताया कि ये हमारा 84वां जन्म है, और जो ये 84वां जन्म है ये अलौकिक जन्म है, क्योंकि इस जन्म के लिए हमने कोई अलग से जन्म नहीं लिया, उसी जन्म में ही हमारा जन्म हुआ। तो मैं ये बात इसलिए भी बता रही हूँ कि ये जो 84वां जन्म है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने इस जन्म में शरीर छोड़ दिया तो अगला हमारा, इसका मतलब ये 83वां जन्म था और अगला हमारा 84वां होगा, नहीं। वो गिनती अलग है, ये हमारा 84वां जन्म है। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि मुझे ये लगता है कि ये मेरा 84वां जन्म कैरी फॉरवर्ड है, क्योंकि 84वां जन्म कैरी फॉरवर्ड होता है। ये जन्म जो है, हम अगला अगर लौकिक जन्म भी लेते हैं और अगले जन्म में अगर हम बाबा के बनते हैं, क्योंकि स्वभाव संस्कार यहाँ से लेके जाएंगे, तो अगला जन्म भी हमारा ये 84वां जन्म ही कहा जाएगा, क्योंकि ये 84 सीढ़ी पर हम खड़े हैं।